बिग बॉस 18 के घर के अंदर हो रही है गुटबाजी। जी हाँ, गुटबाजी। अगर आप नहीं समझते हैं तो बता दूं कि ग्रुपिज्म हो रहा है बिग बॉस के घर के अंदर और दो ग्रुप बन चुके हैं और बाकी कंटेस्टेंट जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो इंडिविजुअली हैं एंड बाकी दो ग्रुप बन चुके हैं, एक 3 लोगों का, एक 5 लोगों का। और ये बात रजत दलाल जो अपने तजिंदर हैं और हेमा जी को बताते हुए नजर आए, क्योंकि वो जेल के अंदर है, उनको इतना पता नहीं चल पा रहा है कि बाहर गार्डन एरिया में जाके, बेडरूम में जाके क्या बातें हो रही हैं। जी हाँ, जिसके बाद में रजत दलाल भी कहते हैं कि भैया आपने किसी ग्रुप के अंदर शामिल होना है या नहीं, अगर होना है तो बता दो, मैं आपकी सेटिंग करवा देता हूँ। जी हाँ, उसी के साथ साथ वो दो ग्रुप कौन से हैं, रजत दलाल और हेमा जी के बीच में और शहजादा के साथ क्या बातचीत हुई है सब बताऊंगा, क्योंकि लाइव फीड के एक्सक्लूसिव अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, रजत दलाल ये जाके बताते हैं कि भैया ग्रुपिज्म हो रहा है घर के अंदर और दो ग्रुप तो ऑलरेडी बन चुके हैं और मे बी वो टास्क के अंदर उनको काफ़ी इसका फायदा मिलेगा, रजत दलाल ये भी कहते हैं। एंड टास्क के अंदर जो एक बड़ा ग्रुप है उसको जीतने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं कोई भी टास्क हो, या अगर बिग बॉस गेम नहीं खेलते हैं तो जिस टास्क में अगर टीम्स बांटी गई तो ये 5 लोग एक टीम में आ गए तो इनको काफ़ी फायदा मिल सकता है। या अगर बात करें दो ग्रुप जो बटे हैं वो है, पहला तो अविनाश का, एलाइस एंड ईशा का। जी हाँ, दूसरे नंबर की बात करें सारा, अफरीन खान, दो जन ये हो गई हैं, उसके अलावा चुम है, उसके बाद जो शहजादा है एंड एक कंटेस्टेंट और है, ऐसे 4-5 नाम, रजत, विवियन, तजिंदर सिंह इनको छोड़ के, गुणरत्न जी को छोड़ के ये बाकी 5 लोग इसके अंदर हैं। एंड वहीं पर रजत दलाल कहते हैं कि देख लो, तुम्हें भी कोई ग्रुप बनाना है, अपने को भी बना लेना चाहिए जिससे कि अपने को टास्क में फ़ायदा होगा। लेकिन इसके बाद वो कहते हैं यार हम तो जेल में है, क्या फ़ायदा है। तो रजत कहते हैं हाँ यार, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अकेले ही खेलूंगा और जीतूंगा भी सही। एंड उसके अलावा जो विवियन है वो भी अकेले खेल रहे हैं, किसी ग्रुप का साथ नहीं देते। और चाहत पांडे के साथ आज के एपिसोड के अंदर उनकी काफ़ी ख़तरनाक फाइट भी होने वाली है और एक इंडिविजुअल कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है चाहत पांडे एंड विवियन डेसेना का, और काफ़ी खतरनाक फाइट होगी। आई होप आपने प्रोमो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो एपिसोड में आज देख लेना, मिस मत करना। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रहें।